योर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर ब्राइट कलर्स, मतलब कि ऑरेंज एंड ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए पसंद है क्योंकि एक ना व्हाइट मून एंड एक ब्लैक लड़की जो बॉल डांस कर रही है, और फिर हमारा मतलब बॉल डांस ऐसा करके वो ऐसा ही पोज पे खड़ी हुई है, और पीछे पूरा ब्लू एंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर, और फिर उसके ऊपर ऐसे छीटे. फेवरेट प्रिंसेस? सिंड्रेला. व्हाई सो? यू लाइक हर ड्रेस, हेयर स्टाइल, एनीथिंग? मुझे तो सब चीजें उसकी पसंद है, मतलब मुझे इतनी सारी चीजें पसंद है उसकी, मतलब बाय बाय. और मुझे एक वो आई थी एनिमेटेड वाली मूवी टैंगल्ड, उसमें जो उसके बाल थे मुझे बहुत पसंद आए. सो फेवरेट एक्शन हीरो कौन है? रणवीर सर, रणवीर सिंह एंड ऋतिक सर, क्योंकि ऋतिक रोशन सर के मुझे उनके स्टेप्स बहुत अच्छे लगते हैं डांस के, और रणवीर सिंह सर के मुझे उनका एक्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनका जो एक्टिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है, मतलब वो इतने डीप चले जाते हैं कि ऐसा लगता है असलियत में हो रहा है. और मुझे एक्ट्रेस में काया अडवाणी पसंद है एंड दीपिका पादुकोण. ओके. क्योंकि दीपिका पादुकोण तो उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है, पद्मावत, भैरव अडवाणी, वो भी बहुत डीप फील करके करती हैं, और कायरा अडवाणी जी का मुझे फेस बहुत पसंद है. योर फेवरेट मूवी? पद्मा एंड लक्ष्मी बॉम. फेवरेट कार्टून? कार्टून थर्ड क्लास में तो छोटा भी इनका मैं पैसिफिक मॉल में देहरादून में हम लोग गए, तो अंदर छोटा भीम का कुछ ऐसा स्टैच्यू टाइप था कुछ चल रहा था, और मैं मम्मी को खींच के ले गई कि मम्मा वो देखो वहां पे छोटा भीम है. मैं ना सिर्फ बात करके आती हूँ. तो मैं वहां पे भागी उसके पास, मैंने लिटरली बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे शादी करोगे. मैं अभी बड़ी होकर सोच रही हूँ मैंने क्या बोला, ऐसे बोला, और मुझे बड़े होकर इतना गंदा लग रहा है वो शो छोटा भी. मैं कह रही हूँ क्या था इसके अंदर रखा हुआ जब मैं छोटे में देखती थी. फिर मैं उसको, फिर मैं 4 साल की 4-5 साल की फिर पता ही है शिनचैन, शिनचैन पसंद आ गया मुझे. अपनी मम्मी को ये सब दे रहा है, ये भाग जाता घर से, वो सब होता है, ऐसा बच्चा है, ऐसा हो रहा था. मैं अभी 6 years old मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता था वो देखना शुरू कर दिया. अब आगे पता चले कॉकरोचेस तो मुझे इतने गंदे लगते हैं, मैं दुश्मन है वो, इतने गंदे लगते हैं ना मुझे कॉकरोचेस. मैं उसी के ऊपर ही एक शो देखती थी कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस, और मैं कह रही क्या देखती थी मैं, ऐसा होता है. अभी तो जाकर मैं डिस्कवरी देखती हूँ, मुझे इतनी तसल्ली मिलती है. हाँ डिस्कवरी और कोरल, कोरल महारानी, देख ले यार मुझे मिलता नहीं है टीवी, तू पूरे दिन रहती है, तू क्या करती है, सोती रहती है, तू खाते और सोते पीते समय वही देख लिया. Your favorite ice cream and your favorite chocolate? Chocolate तो मुझे Dairy Milk की पसंद है, Oreo, Cadbury, और वैसे सारी पसंद है. सारी पसंद है, जो भी चॉकलेट दे खा जाऊंगी, क्रिस्प है लो कुछ भी. और आइसक्रीम में मैंगो आइसक्रीम कुछ भी खा सकती हूँ, मीठे में कुछ भी.
मुझे चींटी बुलाते हैं घर में पापा और मुझे, क्योंकि हम मीठे हैं, मीठे के लिए हम भागते हैं सीधा। कलाकंद के लिए मतलब घर में कलाकंद बना होगा, रबड़ी बनी होगी, बंगाल का कुछ स्वीट होगा, गुलाब जामुन होगा, रसगुल्ले, कुछ भी। रसगुल्ले मुझे सेट के नहीं पसंद, हल्दीराम के पसंद है। पापा और मेरा सेम, हल्दीराम के रसगुल्ले, उसमें जो चाशनी भरी होती है, रसगुल्ले के अंदर गुड़ होता है एक पीस, उसको जैसे ही खाते है ना इतना टेस्टी लगता है वो। तो हम लोग मतलब घर के चींटी बुलाया जाता है, कलाकंद यहाँ पे है, मम्मी के लिए कलाकंद बना हुआ है, तो भागते हुए आएंगे हम सबसे, हम दरवाजा खोल के आएंगे, कलाकंद किधर है, रबड़ी किधर है, मुझे खानी है, अरे किधर है किधर है किधर। अब हमारे लिए तो छुपा के रखते हैं, पप्पा लेकर आते हैं मेरे लिए मलाई वाली, इसका मलाई का मिठाई आता है, कुछ मलाई से बनाते हैं वो लोग, इतनी टेस्टी होती है वो, ऐसा काजू कतली जैसा होता है वो। तो हम लोग जो खाते हैं ना उसे दबा के, वो कल के दिन आपको मिलेगा ही, या फिर इवनिंग तक नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग 12 बजे लेकर आए, 3 बजे तक सफा चढ़ता, ठीक है, ये होता हमारे यहाँ। और घर पे पापा मेरा, हम लोग स्पाइसी वाले, स्पाइसी वाला खाते हैं हम लोग, ग्रीन चटनी में खाती हूँ, अचार खाते हूँ, ग्रीन चटनी और नमकीन, पापा के पास पूरा स्टॉक होता है नमकीन का। 2 बजे रात के, ठीक है, भागती हूँ अपने कमरे से, मुझे डरता है पर नमकीन के लिए कुछ नहीं, नमकीन के लिए हम भागेंगे, रैपिड फायर वाला भागेंगे हम। भागती हूँ ना मैं इतना तेज, मैं ऐसा लगता ओलंपिक्स में आऊंगी मैं, ऐसा रात हो रही है, नानी उठी नहीं है। हमारा ना क्या होता है, ये चेयर है और ये फोन रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस है हमारा, मेरा मम्मा पापा का कमरे में, ठीक है, पर तब भी मुझे बहुत डर लगता है। पहले तो मतलब मेरे पास ना एक टॉय वाली गन है कोरल के लिए, पहले मैं उससे खेलती थी, तो मतलब वो वाली गन मैं नीचे से उठाऊंगी बेड से, ऐसे ऐसे करके ऐसे लूंगी, ऐसे जाऊंगी, हाँ मतलब मैं असली गन समझती हूँ उसे, ऐसे जाऊंगी, अच्छा कोई नहीं है। तो लक्ष्मी में एक सीन था कंचना में, कि वो जैसे ही उसको पता नहीं होता ना कि भूत भूत है, मतलब घोड़ा हिल रहा है अपने आप लकड़ी का, वो रोकती है, पापा से हिल रहा है, उनका यह लॉजिक होता है। तो जैसे ही जाता है मामा या फिर कोई सर्वेंट, तो ऐसे ऐसा दीवार होता है, यहाँ से ऐसे मुड़ के जा रहा होता है, तो देखता है वहां पे भूत आ गया, ऐसा बाल उड़ रहे उसके, ऐसा ऐसा टाइप होता है। तो मेरा भी वही वही चल रहा है दिमाग में, ऐसा ना हो मेरे से, ऐसा ना हो मेरे साथ, मैं गन लेकर भी सांस अटकी है, मैं ऐसे भी ठीक है, अब ठीक है चलो। और फिर भागती हूँ मैं रैपिड स्पीड से उस गन को फेंक के, और फिर पापा से, पापा नमकीन, और पापा देर लगा रहे हैं, मैं ऐसे ऊपर बेड पे चढ़ती हूँ रोल होकर, कोरल हो या फिर कुछ भी, वो पिचक जाएगी, चलो संभालती, अब पापा से मांगूंगी, पापा दे दो यार नमकीन, आलू भुजिया। 6:30 बजे, 2 से 6:30 बजे तक हमने आलू भुजिया खत्म कर दिया, 6:30 से 9 बजे तक हम खाएंगे पंजाबी तड़का हल्दीराम का, वो खाएंगे, ठीक है, फिर वो खाकर हम सो जाएंगे, फिर हम सीधा उठेंगे 6 बजे शाम के, ठीक है, 6 बजे शाम के उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, 7 बजे खाना होता है, खाना खाके 12 बजे हमारा खाना दूसरा वाला डिनर, फिर हम 4 बजे सोएंगे। फेवरेट पर्सन ऑन सेट, सारे फेवरेट पर्सन है मेरे, मतलब लेकिन कोई एक इंडिविजुअल मंगेश सर एंड प्रवेश भैया,
क्योंकि उनसे मुझे सपोर्ट मिलता है, उनसे मुझे सपोर्ट मिलता है कि ये सब मतलब हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या हुआ उसने क्या बोल दिया। मैंने कहा, मैं उनसे कहती जाके मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, उसने ऐसे ऐसे बोला मैं उसको मुंह तोड़ूंगी। और भैया भैया साइड में खड़े मुझे समझा रहे, सर के वहां से समझा रहे, मुक्का मार दूंगी उसको ठाक करके भैया के पीठ पे। हाँ वो मुक्का, ठीक है, मैं उसको मुक्का मार दूंगी भैया के पीठ पे मार दे। और वो ऐसा मुझे यू मार दिया, पागल हो गई है, उसको जाके मारना, मुझे क्यों मार दिया। मैं सॉरी सॉरी, गुस्सा निकल गया मेरा, मैंने उसको मार दिया। ऐसा मेरा चलता है, वो दोनों सपोर्ट करते हैं यार। अब बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एक्टर और साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। ओके, दोनों में से एक सेलेक्ट करने बोला गया आपको, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? एस्ट्रोलॉजर, एक्टर, साइंटिस्ट। हाँ, तीनों में से एक सेलेक्ट करने बोला गया, तो क्या कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप? अपने फ्यूचर के लिए साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोलॉजर। ओके, एक्टर नहीं बनना चाहते आप? पापा भी मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं। नहीं मतलब फ्यूचर के लिए अगर हो। ओके, एक्टर तो मैं बनना चाहती हूँ पर अगर फ्यूचर के लिए मतलब ऐसा हुआ कि नहीं मन किया या फिर मुझे कुछ मिल नहीं रहा इसलिए। फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग कभी कभी अदिति, कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है, ये वाला जाने तू वाला मूवी है ना उसका। yes, yes. और मैं साउथ कोरिया में से, साउथ कोरिया उनके लैंग्वेजेस में ही गाने होते हैं, उनके लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज में ही गाने होते हैं उनके, तो मैं उन्हें मतलब ब्लिंक हूँ, उनकी फैन हूँ। उनके सारे कोरिया में होते हैं, कोरिया बैंड है वो, कोरियन बैंड। और एक BTS है, उसका एक डायनामाइट और ब्लैकपिंक का हाउ यू लाइक दैट है, तो दोनों का एक ही साथ कंपटीशन हुआ था, तो दोनों का कंपटीशन चलता है। मैं तो दोनों की साइड हूँ, दोनों मुझे पसंद है। कैसा इन स्टार्स टुनाइट, उनका BTS का ये वाला बैंड, वो पूरा उनका बैंड पूरा लड़कों से भरा हुआ BTS का, और ब्लैकपिंक का पूरी लड़की है उसमें। मुझे एक पूरा उसने पिंक बाल करा रखे हैं और एक ब्लैक बाल, और फिर एक है जिसने पूरे पिंक परवा रखे हैं, उसका नाम रोज है शायद, तो भूल गई। तो वो मुझे बहुत पसंद है, उनका बैंड ब्लैक पिंक है ना, तो उन्होंने हेयर्स और ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कोई एक चीज जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं? मैं तो बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ, रेड हैंड, रेड हैंड और पकड़म पकड़ाई, स्लाइड पकड़म पकड़ाई, हमारे नीचे स्लाइड है तो उसमें से हम लोग इतने स्टंट्स करते हैं, हम लोग मतलब बंदर हैं, वहाँ के बंदर हैं। पापा भी, पापा जाते हैं तो वो ही जीत के आते हैं मुझसे, वो ही जीतेंगे, मैं तो हार जाती हूँ, क्योंकि वो इतने, वो तो कहीं से भी जगह ढूंढ लेते हैं, इधर से उतरेंगे इधर से। अब मुझे तो खाली दोस्त, तीन स्टंट खाली, जिसमें मुझे वो रोल वाली स्लाइड नहीं होती है उसमें से चढ़ो, उसमें से फिर अंदर पहुंच जाओ उसके, और फिर वहां से एक क्लाइंब वाला नहीं होता वॉल क्लाइंबिंग, वहां से एक स्टेप करके कूदना ऊपर से, वो आता है, ये चार स्टंट आते हैं बस। अब पापा तो कहीं से भी जगह ढूंढ, कहीं से भी, मैं कहती हूँ आप क्यों इतने ज्यादा बंदर टाइप हो, हम तो खाली मतलब हम लोग स्मॉल बंदर है, स्मॉल बंदर, मेरी फ्रेंड और ये सब स्मॉल बंदर है, पापा मतलब बाप है सबके, बाप यहाँ पे से यहाँ से, हाँ ये सब पैर रखना है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे रखे, हमारे इतने पैर ही नहीं रह रहे हमारे। और पापा चाहेंगे तुम कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ पापा मुझे चोट लग जाएगी, कुछ नहीं होता, और मैं गिर गई लिटरली नीचे वॉल क्लाइंबिंग से, डक 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 करके गिर गई मैं, ठीक है मेरे चोट लग गई, पापा कह रहे चल
चल फिर घर चल घर चल, तुझे बहुत चोट लगी है, मैं नहीं लगी है चोट, अब खेलो मेरे, मेरा ये होता है। ओके लास्टली एनी मैसेज फॉर योर व्यूअर्स फैंस, कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस से? हेलो, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस और आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? पैशन फॉलो कीजिए और हमारे और हमें प्यार देते रहिए, हमारे शो को प्यार देते रहिए और आपको भी प्यार दीजिएगा, पौधा को भी प्यार दीजिएगा, हमारे सीरियल को भी प्यार दीजिएगा। आई लव यू ऑल।